मासूम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर आते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीएड कॉलेज पहुंची निर्वाचन शाखा, वोटर बनाने की कवायद तेज। पूर्व सांसदों और विधायकों की बंद हो पेंशन, क्रांति पार्टी ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। पशु चिकित्सा संघ का प्रदर्शन, सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। सेना के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, आजम खान का पुतला फूंका। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन शाखा से जुड़े अधिकारी सोमवार को टाउन स्थित वीएम गर्ल्स कॉलेज पहुंचे। रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित और सहायक अधिकारी सुभाष कड़वासा आदि ने छात्राओं को लोकतंत्र में मतदान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, इसलिए हमें इस पर गर्व है। उन्होंने 18 साल पूर्ण होने वाली लड़कियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया। संस्थाएं बहुत पहले अस्तित्व में आ चुकी थी, धीरे धीरे अंग्रेजों की एक नीति थी कि धीरे धीरे भारतीयों को लोकतंत्र में प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि उनका करने का कोई इरादा नहीं था अपने को प्रशिक्षित, लेकिन अपने आप में जागरूक लोगों की वजह से अपन प्रशिक्षित होते गए। और होने के बाद में जब देश आजाद हुआ तो एक झटके में यह निर्णय लिया गया कि समस्त जो 21 वर्ष के हैं उन सबको मतदाता का मतदान का अधिकार दिया जाए। और उसके बाद में 18 वर्ष इसको कर दिया गया। तो अपन सौभाग्यशाली है कि अपन एक मजबूत संस्था में, चुनाव आयोग एक बहुत मजबूत संस्था है जिसने भारत में लोकसभा के 13-14 चुनाव और विधानसभाओं के असंख्य चुनाव उन्होंने करके और इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व में एक परिपक्व लोकतंत्र में इस श्रेणी में आता है। इसमें अभी कमी रह जाती है। हर वर्ष हम इस तरह का अभियान चलाते हैं जिसमें हम उन वंचित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपन विकासशील देश, जिमी कार्टर जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो ये कहा करते थे कि एक मतदाता वंचित रह जाता अपने आप ही, अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा, अपन जागरूक हो रहे हैं। आज देखिए आप इस अभियान की शुरुआत में इतने बच्चियों ने भाग लिया, इसमें ये आपकी जागरूकता की निशानी है। और ये कार्य जो है माउथ पब्लिसिटी से ही ज्यादा होता है, इसमें किसी सरकारी प्रचार तंत्र से आप बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। तो बगैर लड़कियों की एजुकेशन की ये संस्थान है, इसलिए सामने लिखा पड़ा है कि एक बच्चे को या एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो अकेला शिक्षित होता है, एक महिला को करते हैं तो अपने परिवार को करते हैं, एक बेटी को करते हैं। आज इस अभियान की शुरुआत करने का उद्देश्य चुनाव आयोग की तरफ से ये है कि 18 से 19 साल का कोई भी युवक और युवती पंजीकरण से शेष नहीं रहते, पंजीकरण से शेष नहीं रहे और मतदाता के रूप में उनका नाम पंजीकरण होगा। कि हमारी एक भी बेटी इस साल पंजीकरण से वंचित नहीं रही, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपके स्टाफ को ये करना है, इन सब के कार्ड और उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ कैंप लगा दें या यहाँ बिठा के वो करवा दें, वो आपकी जिम्मेवारी है, करवा दें। पंजीकरण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई का समारोह पूर्व शुरू करने के चुनाव आयोग के निर्देश थे, उसी के अनुसरण में आज हमने व्यापार मंडल स्कूल समिति से पहले कह दिया था भाई आपके यहाँ पे हम कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि आपने देखा काफ़ी संख्या में बच्चे जो है यहाँ उपस्थित थे जो युवा मतदाता है और जिनका पंजीकरण होना है। और हम प्रयास करेंगे टीम के रूप में, सारे BLO सुपरवाइजर AERO और ERO कलेक्टर साहब ने ऐसा निर्देश दिया, इसे टीम के रूप में कार्य करके हमारे हनुमानगढ़ जो कि पहले एक नंबर पर था पूरे राजस्थान में, उसी का प्रयास करके हम वापस इसी तरह से इस बार उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करेंगे कि समस्त जितने भी वंचित मतदाता है उन सबका नाम इस पंजीकरण अभियान में जोड़ दिया। हमारे कॉलेज महाविद्यालय में वोटर आईडी के लिए सभी लोगों को एकत्रित किया गया है और आज यहाँ पर महाविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जहाँ वोटर कार्ड बनाने के लिए दिए जा रहे थे। तो हम सब बहुत खुश हैं कि पहले तो हमें प्रशासन के चक्कर निकालने पड़ते थे कि कभी इधर घूमना कभी उधर, लेकिन अब नहीं, अब हमारे कॉलेज महाविद्यालय में हमें यह सुविधा प्राप्त हो रही है जिससे कि हम बहुत ही खुश हैं। और वोटर कार्ड बनाने के लिए अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में ही हमारे लिए ये सुविधा प्राप्त की गई है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। वोटर आईडीज बन जाएंगे जिससे हमें बहुत खुशी है कि अब हम भी वोट डाल सकेंगे और हमें भी पूरा अधिकार मिलेगा कि हम अपने MLAs वगैरह को खुद चुन सकें, जिससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है। तारीख तक लगातार
सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में ये कैंप्स आयोजित किए जाएंगे और उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में छात्र छात्राओं के फार्म एकत्रित किए जाएंगे। 15 तारीख से लेकर आगे 31 तारीख तक का जो कार्यक्रम है उसमें डोर टू डोर हमारे BLO साहिबान जो हैं वो जाकर के सर्वे करेंगे। वास्तव में वंचित मतदाता कौन से हैं, जो वंचित मतदाता हैं उनका फॉर्म्स बनाएंगे और जो सर्वे के दौरान ये पाए जाते हैं कि वो आदमी यहाँ निवास नहीं कर रहे, या जो आदमी मर्त हो गए, या जिन बच्चियों की शादी हो गई कहीं अनंतर चली गई, उनके नाम हटाने की हम प्रक्रिया वो भी साथ में साथ जारी रखेंगे। महाराणा क्रांति पार्टी का मानना है कि सभी राजनीतिक दलों की मंशा एक जैसी है, किसी कारण जनता को लूटा जाए, भाजपा भी इससे अलग नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया और पूर्व सांसदों और विधायकों को दी जा रही पेंशन की सुविधा बंद करने की मांग दोहराई। राजनीति में तभी शुचिता आएगी जब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे। महाराणा क्रांति पार्टी का कहना है कि यह तभी संभव होगा जब जनप्रतिनिधि खुद की चिंता खत्म कर देश के लिए सोचने लग जाएंगे। पार्टी पूर्व सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुखर रही है। इसके तहत सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र पाल रंगारा ने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे इस मसले पर शीघ्र निर्णय लें ताकि राजकोष में लगने वाले चपत पर रोक लग सके। आठ महीनों से इस प्रयास में है कि पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद की जावे, उस पैसे को जनहित कार्य में लगाया जावे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जावे, किसानों का जो कर्जा है उसको माफ किया जावे और मोदी जी को ईश्वरीय सद्बुद्धि बख्शे कि अमरीका जाना बंद करे, अपने देश को संभाले। इसलिए हमने आज ये सद्बुद्धि यज्ञ, मोदी जी को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया है, जो कि एक देश की जनता के हित में है, न कि हमारी पार्टी के हित में है। हमारी महाराणा क्रांति पार्टी इस प्रयास में प्रयासरत रहेगी और हमेशा रहेगी जब तक पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद नहीं होती। राजस्थान पशु चिकित्सा संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगाया और प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 11 समस्याओं के समाधान करने की मांग शामिल है। धरना लगाया लेकिन सरकार ने हमारी एक बात नहीं मानी है। अब हमने ये तय किया है कि आज हम ज्ञापन देंगे, 3 जुलाई को हम आक्रामक रैली जयपुर के अंदर निकालेंगे। हम 11 सूत्री मांगों के लिए बार बार सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य मांग हमारी है 4200 पे ग्रेड और मतलब वेतन विसंगतियों में जो संशोधन हो, पशुधन सहायक आरंभिक वेतन मान अन्य सुविधाएं समक्ष श्रेणी में आने वाले मेडिकल नर्स MN सेकंड के अनुरूप की जाए, पशु चिकित्सा सहायक को हर ड्यूटी भत्ता HDA स्वीकृत किया जाए, नर्सिंग कर्मचारी भर्ती जोखिम भत्ता मैस भत्ता स्वीकृत किया जाए, पशुधन सहायक प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष की जाए, डिप्लोमा वेटरनरी काउंसिल का गठन किया जाए, पशुधन सहायक प्रशिक्षण कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री किया जाए, पशु चिकित्सालय कर्मचारियों के पद नाम परिवर्तन किया जाए। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान पर कथित सेना विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए बसंत दल कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर आजम खान का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सेना के खिलाफ किसी तरह की गलत बयानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सेना के समर्थन में जमकर नारे लगाए। Okay.
भाजपा पार्टी के नेता भी कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय आर्मी के खिलाफ जो एक बहुत ही घटिया भाषण दिया है, भी भारतीय आर्मी बलात्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जो भारत की रक्षा कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा भाषण दिया है और सरकार उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी सरकार से ये रोक है इन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करे, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जल्दी जल्द जो भारत माता की रक्षा करते हैं उन पर ऐसी घटिया भाषण देना बहुत ही गलत है और हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत माता के खिलाफ और भारत माता के जवानों के खिलाफ कोई बोलेगा हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मां पर नेता बलवान पूनिया पर नोहर की महिला आयोग के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, लिहाजा उन्होंने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया और पूनिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नारी है ये भारत की नारी है, मातरम मातरम वंदे मातरम, धरती फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके अंदर क्या नाम बलवान पूनिया ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, अभद्र टिप्पणी की है जो, और उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया, और नीरजा कुमारी जो जिसने जिसके नेतृत्व में अतिक्रमण हटाए गए और उसके खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी दी है जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, और जिस नारी को हम माता के समान मानते हैं उस नारी के खिलाफ उन्होंने ऐसे अभद्र टिप्पणी दी है तो हम इसे कतई नहीं सहन करेंगे और जल्दी से जल्दी अगर इस पर कार्रवाई ना की जाए तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण होगा। 5 चरणों में होने वाले अंकेक्षण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला परिषद सभागार में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिला प्रभारी सुनील भारद्वाज ने बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण दिया। मनरेगा के तहत हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण जुलाई से सितंबर के बीच 5 चरणों में होगा। जिला परिषद सभागार में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला प्रभारी सुनील भारद्वाज ने तरीके से ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। इसमें हर वो जानकारियां एकत्रित करनी है जो जरूरी है। प्रशिक्षण समन्वयक रमेश चंद्र गोयल ने भी प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से बताया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 प्रथम 6 मई के सामाजिक अंकेक्षण कार्य का ये कार्यक्रम 27 जुलाई 2017 से प्रारंभ होगा। ये 5 चरणों में होगा। 27 जुलाई 2017, 3 अगस्त 2017, 10 अगस्त 2017, 17 अगस्त 2017, 24 अगस्त 2017, ये 5 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण 3 जुलाई 2017 को आज हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा, कल है 4 जुलाई 2017 को रावतसर, नोहर और भादरा, 5 जुलाई को ग्राम संसद व्यक्तियों का प्रशिक्षण हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा, 6 जुलाई को रावतसर, नोहर और भादरा, ये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। होंगी उनमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति व 5 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संयुक्त टीम जाकर 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक जितने भी ग्राम सभा द्वारा कार्य करवाए गए हैं उनका भौतिक स्थापन किया जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की अगर अनियमितता पाई जाती है तो वो राज्य सरकार को भेजी जाएगी के खिलाफ कार्रवाई की। 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 के नरेगा में और इंदिरा आवास में जो कार्य किए गए हैं उन्हीं की मतलब सामने किया जाएगा। ठीक है सर।
हनुमानगढ़ टाउन थाना परिसर में अब एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ सीएलजी की बैठक हो सकेगी बल्कि अन्य कार्यक्रमों का संचालन भी हो सकेगा। इस कॉन्फ्रेंस के निर्माण में पीरखाना सेवा समिति उल्लेखनीय सहयोग करेंगे। सोमवार को थाना परिसर में समिति के हरबंसलाल गर्ग ने हॉल की आधारशिला रखी। हनुमानगढ़ टाउन थाना परिसर में पीरखाना सेवा समिति के सहयोग से कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। सोमवार को हॉल की नींव रखी गई। इस मौके पर बाबा हरबंसलाल गर्ग, एएसआई करतार सिंह और समिति के सचिव पारस गर्ग आदि मौजूद थे। पब्लिक मीटिंग के लिए, सीएलजी मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण की नीम पत्थर बाबा हरबंसलाल जी गर्ग गद्दीदार हनुमानगढ़ टाउन पीरखाना के कर कमलों द्वारा रखा गया, जिसमें पीरखाना भी अपनी तरफ से सहयोग करेगा। हनुमानगढ़ टाउन की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, 1921 की बनाई हुई है, जिसमें मतलब मुलाजमान के रहने के लिए, दफ्तरों के लिए काफ़ी समस्या है। पीरखाना के सहयोग से आज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में पीरखाना के बाबा साहब ने कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया है, जिसमें पीरखाना का काफ़ी सहयोग रहेगा। तो उनकी देख रेख में ही बनाएंगे, जो पब्लिक की मीटिंग के लिए, पुलिस मीटिंग के लिए, सीएलजी मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा, जो आगे चलकर बहुत ही काम आएगा। अच्छा, अच्छी शुरुआत है ये पीरखाना सहयोग की। मरुधरा साहित्य परिषद ने अपने संस्थापक अध्यक्ष ओम पुरोहित कागज की स्मृति में उनके नाम से हर साल साहित्य सम्मान देने की घोषणा की है। प्रथम वर्ष यह सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार मोहन आलोक को दिया जाएगा। सचिव राजू सारसन के मुताबिक 5 जुलाई को कागज जयंती के मौके पर चाणक्य क्लासेस में दोपहर 2 बजे होने वाले समारोह में कागज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्राचार्य से मुलाकात की और कॉलेज की समस्याओं पर चर्चा की। प्रदेश मंत्री रोहित स्वामी और जिलाध्यक्ष राधेश्याम सहारण ने प्राचार्य को बताया कि छात्रावास की सुविधा नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, साथ ही व्याख्याताओं की कमी से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अपने विकास अपने टीचर में दो या कॉलेज से छात्रावास किसी कॉलेज में नहीं था, दोनों 40 सीटें ये 26 कर रहे हैं। मैं रह रहे हूँ कॉलेज के अंदर छात्रावास और व्याख्याताओं की कमी को लेकर प्रिंसिपल महोदय को अवगत करवाया गया, उनको ज्ञापन दिया गया और इस बाबत हमने कई बार पहले भी मांग उठा चुके हैं और इनको ज्ञापन दे चुके हैं। मैं बताऊं आपको, हमारे पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जिला मुख्यालय के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज की आज ये हालत है कि यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल संदीप बाल सिंह, यह व्याख्याताओं की लगातार कमी है और बार बार इस मांग को हमारे द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। और सत्ताधारी पार्टी के हमारे 5 एमएलए हैं और उनका ध्यान इस बात से है कि जो हमारे कांग्रेस से जीते हुए पार्षद है, कोई और है, उनके विकास कार्यों को रोकने के अलावा उनके यहाँ पे कॉलेज के अंदर व्याख्याताओं को लाने की जो भरसक प्रयास होने चाहिए वो नहीं है। उनका इंटरेस्ट तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो मांगे उठाई जा रही है और जो कांग्रेस से जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनके कामों को रोकने के अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं है। जो छात्रावास है उसका कोई मतलब विकास कार्य नहीं हुआ है और वो चालू करवाने के हमने मांग उठाई है, और फिजिक्स के लेक्चरर है और भी कई लेक्चरर है जिनके बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जो है ही नहीं यहाँ पर, उनको बुलाने के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ टाउन में चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच एक जनाक्रोश भड़कने लगा तो पुलिस ने तत्परता दिखाई और 2 चोरों को पकड़ लिया। दोनों ही नशेड़ी किस्म के युवक है जो नशे की पूर्ति के लिए छोटी छोटी चोरियां करते हैं। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों युवक नशे की पूर्ति के लिए चोरी करते हैं। पकड़े जाते हैं तो कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ता है और फिर आते ही चोरी शुरू। पिंटू और भानीराम नामक युवक को पुलिस ने फिर पकड़ा और मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेन बाजार के पीछे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल होने के कारण वहाँ सुनसान सी जगह है, सुनसान सी जगह होने के कारण
जो आवारा लड़के हैं, आवारा चोर हैं, वो पीछे से घुसकर दुकानों में कई बार चोरी करते हैं। पिछले महीने 19-20 की रात्रि को चोरी हुई थी। छत के रास्ते से स्कूल में प्रवेश किया और दुकान में से कुछ सामान और कुछ नकदी चोरी किया था। उसके बाद दुकान में दोबारा चोरी हो गई उनके पास ही, तो पिंटू बिहारी और भानीराम शर्मा ये दोनों चोर पकड़े गए थे। जो 20-5 को रात्रि को चोरी हुई थी वो भी इन्हीं लोगों ने चोरी की थी। आज न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज इनको गिरफ्तार किया गया चोरी में और कल न्यायालय में पेश करेंगे। करना कबूल किया, इनके खिलाफ़ काफ़ी मुकदमे हैं, चोरी की आदत है, नशेड़ी हैं, जो नशे के लिए चोरी करते रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इस तरह के मुकदमे हैं इनके खिलाफ? सिर्फ चोरी के मुकदमे हैं, छोटी मोटी चोरियाँ करना, नशा कर लेना, चोरी कर लेना, अंदर चले जाना, फिर बाहर आ जाना, फिर चोरी कर लेना, इस तरह की वारदात करते हैं भानीराम शर्मा और पिंटू। हनुमानगढ़ टाउन में युवाओं ने नशे के खिलाफ संदेश देने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 26 टीमों ने भाग लिया। सभापति राजकुमार निसारिया ने विजेता गाहड़ों की टीम को पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि 10 दिन तक चले टूर्नामेंट में फाइनल में गाहड़ों की टीम ने श्रीनगर की टीम को हराया है। शानदार शॉट है खान का, जो का 4 रन के लिए, ये बीएसएनएल जो का 4 रन, शानदार शॉट यहाँ पर। और व्हाट अ ग्रेट डिलीवरी बाय ब्रैडली, गुड कीपिंग यहाँ पर उथापा की। रफीक खान शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, मगर 4 रन। ये शौकत की रफीक, गुड शॉट फिर से, मगर अच्छी फील्डिंग साफर की, सीधा हाथों में खेल दिया एक रन के लिए, ओ सॉरी डॉट बॉल के लिए, डॉट बॉल थी। ये शौकत, ये रफीक खान खेल दिया यहाँ पर एक रन के लिए मिड ऑफ के प्लेयर द्वारा। आज के युवा शक्ति है वो नशे से दूर है और ये बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। और आरपीएल का जो फर्स्ट नाम है वो गया रखा गया है और जो गाड़ू की टीम ने जीता है, सेकंड टीम प्रेमनगर की रही है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे वो थे श्री राजकुमार जी सारिया चेयरमैन। इसमें अच्छी टीम आई, 26 टीमों ने सहयोग दिया और युवा ने दिखा दिया कि कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था ये, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं यहाँ और आगे भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह, कि बहुत बढ़िया खेलेंगे। बल्कि आज जो फाइनल जीती है उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। झंडावाली के पास स्थित रियान कॉलेज फॉर एजुकेशन के कुछ विद्यार्थियों ने विभिन्न परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी की मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। रयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों ने बीएससी बीबीए द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। छात्रा सपना, संजय, मुस्कान, पूजा, शब्दिका बागला, रिया, राकेश, दीप्ति, मयूर, विंकित, चंद्रकिशोर, सुभाष, सुनेहा मायच, सौरभ और प्रतीक कौशिक आदि ने विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान हासिल किया। इस उपलक्ष्य में कॉलेज के निदेशक कर्णवीर चौधरी, डॉक्टर संतोष राज पुरोहित और उप प्राचार्य अनिल शर्मा ने विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने बताया कि गत वर्षों से लगातार महाविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा में वरीयता सूची में आते रहे हैं। मेरे 82.5% है और मैं आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और जो मेरे अच्छे नंबर आए उसका मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बढ़िया पढ़ाया और मैं इस मुकाम पर पहुँचा। टॉप सदस्यों ने मेहनत की जिसका परिणाम ये रहा कि लगभग प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय स्तर पर वरीयता सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया और उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ हमारा यह प्रयास भी है कि आगे हम और भी अधिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा उन बच्चों को प्रदान करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।